नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नए हिंदुस्तान में बहुत कुछ नया हो रहा है। केंद्र सरकार ने 34 साल पुरानी शिक्षा नीति बदल दी है। आपको बता दें 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और अब नए भारत में सब कुछ नया और प्रगतिशील होने वाला है। आपको बता दूं, नई शिक्षा नीति का नाम ही नई शिक्षा नीति 2020 रखा गया है। इस नई शिक्षा नीति को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि 21वीं सदी के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, और 21वीं सदी का उद्देश्य हर स्तर पर विकास है। इसको भारत के एजुकेशन स्ट्रक्चर के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बदलाव है वो यही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से पांचवी तक दूसरा हिस्सा, छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा और नौवीं से बारहवीं तक आखिरी हिस्सा होगा। पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात की गई है। इसके साथ ही चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर ध्यान देने की बात की गई है। इसके बाद भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह, भाषा मेला, गणित मेला जैसे आयोजन होंगे। इसमें पुस्तकालयों को भी जीवंत बनाने और अन्य एक्टिविटीज को कराने पर ध्यान देने की बात की गई है। जैसे बच्चे स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, ग्रुप स्टडीज, पोस्टर, डिस्प्ले से भी सीखें, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडीज। इससे साफ तौर पर बच्चों की क्रिएटिविटी सामने आएगी। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ा जाए। ये सबसे अच्छा कदम है, क्योंकि नौकरी के लिए आप जब भी जाते हैं तो स्किल की डिमांड होती है, लेकिन पिछली नीतियों में सिर्फ रटने पर फोकस किया गया। किताबें रटो और पास हो जाओ, लेकिन अब स्किल से आप या तो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं जिसमें आपकी रुचि है, यानी सीधे तौर पर बेरोजगारी पर प्रहार। जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आसानी से कर सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, चाहे वो कोई भी रीजन रहा हो, तो इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत आपको लाभ मिलेगा। ये क्या है? मतलब अगर आपने एक साल की पढ़ाई की है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दो साल की तो डिप्लोमा मिलेगा, तीन या चार साल की डिग्री ली तो आपको यहाँ पे डिग्री मिल जाएगी। मतलब अब आपका साल खराब नहीं होगा, जितना आपने पढ़ा है उसका क्रेडिट सीधे तौर पर आपको मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि GDP का कुल 6% शिक्षा पर खर्च होगा। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी खास जोर दिया है। जाहिर है एक अच्छा टीचर ही है जो बेहतर स्टूडेंट्स तैयार करता है, इसीलिए व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल किया जाएगा। इसी के साथ सरकार अब न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगी, यानी अब सब कुछ नया होगा। पाठ्यक्रम के साथ साथ एक्टिविटीज, बोर्ड एग्जाम को भी दो भागों में बांटा जाएगा। अब दो बोर्ड परीक्षाओं को तनाव को कम करने के लिए बोर्ड 3 बार भी परीक्षा करवा सकता है। इसके अलावा अब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल को जोड़ा जाएगा। जैसे कि अगर आपने स्कूल में कुछ स्किल सीखा है तो इसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह मिलेगी। सरकार ने यह भी तय किया कि वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए एनरोलमेंट को 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल किया जाएगा। अब आप भारत को यथार्थ जानेंगे। रिसर्च में जाने वालों के लिए भी एक नई व्यवस्था की गई है। उनके लिए 4 साल की डिग्री प्रोग्राम किया गया है। इस विकल्प के द्वारा यदि कोई जॉब में जाना चाहता है तो वो 3 साल की डिग्री कर सकता है, लेकिन अगर किसी को रिसर्च वर्क में जाना है तो बिना MPhil किए वो MA करेगा, यानी MA 1 साल का हो जाएगा। यानी रिसर्च में जाने वालों के लिए एक बेहतरीन कदम है। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन में अब आप किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में भी जा सकते हैं।
अब स्ट्रीम के अनुसार सब्जेक्ट लेने होते थे। पहले जैसे स्ट्रीम के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव होता था, अगर आपने फिजिक्स ली है तो आप दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, लेकिन अब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप साथ में ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को शामिल किया गया है। भारत विविधताओं में एकता वाला देश है, यहाँ पग पग पर भाषा और वेशभूषा बदल जाती है और ये समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है। इसलिए पहली से पांचवी तक जहाँ तक संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाएगा। जहाँ घर और स्कूल की भाषा अलग अलग है वहाँ दो भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। और तो और लड़कियों की शिक्षा जारी रहे इसके लिए भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव भी दिया गया है। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। यूएस की NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाया जाएगा। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगी। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ साथ रिसर्च में युवाओं को आगे आने में मदद बिल्कुल करेगा। यहाँ तक कि ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो इस शिक्षा नीति के 2020 की खासियत है। आगे जब ये लागू होगी तो जिस तरह ये एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट बनाएगी, या ये कहा जा सकता है कि एक बहुत ही बेहतरीन कदम साबित होगा। इस पर आपको समय समय पर हम अपडेट्स देते रहेंगे। जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।